मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी लोक भारती दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए दूसरी इकाई एक बरस ही जलद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हुई ये है चौपाई। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं परिचय। परिचय यानी इंट्रोडक्शन। जन्म 1511 1511 बांदा उत्तर प्रदेश। मृत्यु यानी डेथ 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। अपने प्रसिद्ध संत कवि विद्वान और आप प्रसिद्ध संत कवि विद्वान और चिंतक थे। कौन? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधि में रचनाएं लिखी। जो अवधि भाषा होती है ना, वो लैंग्वेज में उन्होंने उनकी रचनाएं लिखी हुई है। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन दूरदर्शन रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। कंठस्थ था यानी बायहाड था। देखो उस जमाने में हर लोगों के जुबान पर होता था ये रामचरितमानस। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो इन्होंने लिखा हुआ जो रामचरितमानस है उसको विश्व में 100 महाकाव्यों में से ही एक महाकाव्य माना जाता है। प्रमुख कृतियां कौन सी थी उनकी? तो एक तो थी रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण, जानकी मंगल आदि आदि यानी एटसेट्रा। के तो देखते हैं भाई क्या है इस चौपाई में। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घन यानी बादल, क्लाउड्स, घमंड यानी गर्व से, नभ यानी आसमान में, गर्जत घोरा भयानक तरीके से गरज रहे है आसमान में। बादल जो है वो भयानक तरीके से गरज रहे है। जब भी बिजली चमकती है ना तो कैसे आवाज आती है ना, धड़ाम धुड़ूम, जैसे दिल बैठ जाता है कभी कभी, तो इतना जोर से आवाज आता है। इसके लिए क्या कहा है? घन घमंड नभ गर्जत घोरा। घन यानि बादल, क्लाउड्स, घमंड यानि गर्व, समानार्थी शब्द में आपके काम में आएगा। नभ आसमान, आकाश। गर्जत घोरा, घोरा यानि भयंकर तरीके से, भयानक तरीके से क्या कर रहे हैं? घन आसमान में गरज रहे है। प्रियाहीन डर पत मन मोरा। अभी उनकी जो प्रिया है, अभी ये जो चौपाई है ना, ये किसमें से ली हुई है? रामचरित मानस में से ली हुई है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ना, ये कभी की कहानी है। जब श्री राम और सीता दोनों बिछड़ गए थे, ठीक है, तो रावण ने जब सीता का हरण कर लिया था, उसके बाद राम लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही है कि राम को
उनके पिताजी जो थे दशरथ, उन्होंने वनवास जाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उनकी जो बीवी थी उसे अपने बेटे को भरत को राजा बनाना था, इसलिए उसने दशरथ राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे के एक तो राजा मेरा बेटा बनेगा भरत, और दूसरा राम जो है वो 14 साल वनवास के लिए जाएगा। अभी वनवास में जाना का मतलब क्या होता है पता है तुम लोग को? अभी एक राजा राजकुमार, तो जब वो वनवास के लिए जाएगा तो वो एक सिर्फ हल्के फुल्के सीधे सिंपल कपड़े पहनकर, नो ज्वेलरी नो एक्स्ट्रा, ऐसे राजा की तरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एक ऑर्डिनरी जैसे जंगल में लोग रहते हैं ना, उसी तरह से राम जंगल में कितने साल तक रहेंगे? 14 साल तक, 14 ईयर्स तक वो जंगल में रहेंगे। तो वो जाने को तैयार हो गए, और उस जमाने में कैसा था ना कि पिता के शब्द के बाहर एक बार पापा ने वर्ड दे दिया कि नहीं वो जाएगा तो बेटा कुछ भी हो जाए वो जाएगा ही। तो राम जो थे वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो जो उनकी बीवी थी सीता, उसने बोला कि अगर आप ही नहीं है मेरे पति यहाँ पर तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी, तो मैं भी चलती हूँ आप लोगों आपके साथ वनवास में। और उनका एक जो भाई था छोटा लक्ष्मण, तो उसने भी कहा कि मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं भी आपके साथ वनवास आऊँगा। और उनका जो भाई था ना भरत, उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता है, और उसकी माँ जो रहती है कैकेयी वो उसे कहीं दूर भेज देती है पानी लाने के लिए, वो राज्याभिषेक करना होता है ना श्री राम जी का, तो बोलती है वहाँ से पानी लेकर आना। तो भरत को ऐसा बोल के वो वहाँ से दूर कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि भरत ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि वो राम से बहुत प्यार करता था और उसे बहुत खुशी थी कि राम राजा बन रहे हैं। तो क्या हो गया, राम लक्ष्मण और सीता फिर तीनों जन वनवास के लिए निकल गए। ठीक है, फिर जब वनवास में जाने के बाद राम को देखकर ये जो रावण है ना जिसे दशहरे में जलाते हैं, तो वो रावण जो था उसकी बहन थी शूर्पणखा, तो उसने क्या किया, राम जो बहुत सुंदर था ना, तो वो गई वहाँ पर और राम को उसने देखा, वो थी राक्षस। ठीक है, तो उसने बोला एक सुंदर नारी का रूप लिया, एक बहुत ही ब्यूटीफुल औरत का रूप लेके वो राम के पास गई और बोलने लगी कि मुझे आप बहुत पसंद आ गए हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। फिर जो राम थे उन्होंने कहा, भाई मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, ये देखो ये है मेरी बीवी। तो उसने बोला तो क्या हो गया, आदमी लोग तो 2-3-4 शादियाँ कर सकते हैं, तो मैं दूसरी बीवी बन के रहने के लिए तैयार हूँ। तो राम बोलते हैं उसको कि नहीं बाबा, मैंने कसम खाई है मैं एक ही बार शादी करूँगा और मेरी एक ही बीवी रहेगी। तो वो क्या बोलता है कि जा वहाँ पर मेरा भाई बैठा है ना, तो उसको जाके पूछ कर देख। तब वो देखती है कि अरे हाँ यही अच्छा दिखता है, तो वो तो राक्षसी रहती है, तो वो जाके उसको बोलती है कि अरे तुम मुझसे शादी करो, तुम लोग बहुत अच्छे दिखते हो, मुझे तुम पसंद आ गए हो। तो उसको आता है गुस्सा, लक्ष्मण बहुत गुस्से वाला रहता है, तो उसको गुस्सा आता है, वो क्या करता है, वो जो शूर्पणखा रहती है ना जो सुंदर नारी का रूप लेकर गई रहती है, वो उसका नाक जो रहता है उसके नाक को ही काट देता है तलवार से। तो जैसे ही नाक कट जाता है वो अपने ओरिजिनल रूप में आती है, तो राक्षस लोग कैसे होते हैं ना भयानक, तो वो देखकर भी ये लोग ऐसे चकित हो जाते हैं, अरे बाप रे ये तो राक्षस है। फिर वो उड़ते हुए उसके भाई के पास जाते हैं रावण के पास कि देखो मेरा क्या हाल हो गया है, मेरा नाक काट दिया, वो भी किसने, तो इंसानों ने मेरा नाक काटा, हम लोग इतने बड़े राक्षस होने के बावजूद वो मामूली इंसान लोग है, उन लोगों ने मेरा नाक काट दिया, तू कैसा राजा है ऐसा वैसा करके वो बहुत बात बोलती है वो रावण को। तो रावण को भी आता है गुस्सा, वो बोलता है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा मेरी बहन के नाक काटने वाले को। तो ऐसा करके जब रावण जाता है तो वो ऊपर से, जब वो विमान तभी थे, एरोप्लेन्स तभी ही थे उस जमाने में भी, तो वो ऊपर से देखता है, तो वो सीता को देखता है, तो सीता उसको बहुत पसंद आती है, वो
बोलता है कि बीवी हो तो ऐसी हो, ऐसे करके वो फिर एक दिन क्या करता है, वो सब प्लान करके फिर वो तभी उस जमाने में जो ऋषि मुनि वगैरह आते हैं ना भिक्षा मांगने के लिए झोली लेकर, तो उसी तरह से ऋषि मुनि का भेष लेकर रावण जो है वो सीता मैया के पास जाता है। और राम गए रहते हैं हिरण को पकड़ने के लिए, और जब राम के आवाज़ में वो जो दूसरा राक्षस होता है मारीच वो चिल्लाता है जोर जोर से, तो सीता घबरा जाती है। और लक्ष्मण जो रहता है वहाँ पर सीता की रखवाली करने के लिए, तो वो उसे मजबूर करती है राम के पास जाने के लिए। तभी जो लक्ष्मण जो होता है वो एक लाइन, एक लकीर खींच कर जाता है और बोलता है भाभी कुछ भी हो जाए इस लकीर से बाहर नहीं आना। तो जब रावण आता है ना भिक्षा मांगने के लिए, तभी जब वो अंदर जाने जाता है, सीता भिक्षा लेकर आती है, वो बोलती है कि बाबा मैं इस लकीर के बाहर नहीं आ सकती हूँ, तुम्हें ही अंदर से आकर प्रसाद लेना पड़ेगा, ये अपना भिक्षा लेना पड़ेगा। तो जैसे ही रावण उस लकीर को पार करने जाता है तो वहाँ पर शोले भड़क जाते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक का करंट लगता है ना वैसे वो रावण को करंट लगता है, तो वो क्या करता है पीछे हट जाता है। फिर वो सीता को बोलता है नहीं मैं लकीर के अंदर नहीं आऊँगा, तुम लकीर के बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। फिर वो थोड़ी हिचकिचाहट करते कह रहे नहीं मेरे देवर ने कहा है इसमें से बाहर नहीं होने, तो मुझे तू मना करेगी तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, ऐसा करके वो बोलने जाता है। तो उतने में बोलती कि नहीं नहीं आप हम लोग को श्राप मत दो और मैं आपको देती हूँ भिक्षा करके। वो जैसे ही लकीर पार करके आती है तो रावण जो पिता है वो सीता को उठाकर भगा ले जाता है, उसके विमान होता है वो उसमें बिठाकर उसे लेकर जाता है हवाई रूट से। तभी सीता क्या करते हैं ना, राम को पता चले कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वो एक एक गहने है ना निकाल निकाल कर वो फेंकने लगती है ताकि उन्हें पता चले कि रावण उसे कहाँ पर ले गया है। तो तभी जब सीता नहीं मिलती है, राम और लक्ष्मण आते हैं और सीता नहीं मिलती है उन्हें, तो उन्हें अभी वो लोग ढूंढ रहे हैं, सीता मैया को वो लोग ढूंढ रहे है। और तभी ये जो बरसात का ऋतु आ गया है और सीता जी का भी पता चल नहीं रहा है, तो इस कविता में इस चौपाई में उन्होंने श्री राम जी के मन की जो अवस्था है ना, मन की जो कंडीशन है ना, उसके बारे में इसमें इन्होंने चौपाई में लिखा हुआ है। ओके, तो उसके बैकग्राउंड की जो स्टोरी थी ना वो मैंने आप लोगों को बताई। तो अभी श्री राम बोल रहे घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रिया ही न डर पत मन मोरा। मेरी जो प्रिया है, मेरी जो प्रियतमा, मेरी जो वाइफ है सीता, उसके बिना मेरा मन डर रहा है या फिर डर के मारे घबरा रहा है। दामिनी दमक रह ही घन माही, यानि दामिनी यानि बिजली चमकना, दमक यानि चमकना, दामिनी दमक रह ही घन माही, बिजली जो है वो बादलों में ही गरज रही है। खल कई प्रीति जथा थिर नाही, खल यानि दुष्ट व्यक्ति, बुरा इंसान, बुरा आदमी उसे कहते हैं खल, खल याने दुष्ट। खल कै प्रीति जथा थिर नाही, थिर याने स्थिर, स्टेबल। तो खल कै प्रीति जथा थिर नाही याने बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे एक दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, उसी तरह ये बिजली चमक रही है। जैसे जो बुरा इंसान होता है उससे अगर हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं तो वो फ्रेंडशिप निभाता है क्या? नहीं निभाता है। बुरा इंसान जो होता है वो कभी भी दोस्ती नहीं निभाता, टेम्पररी होता है वो।
वर्ष ही जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बरस ही जलद भूमि नियराए, यानी बादल जो है वो पृथ्वी से बहुत नजदीक आकर बरस रहे है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक इंटेलिजेंट आदमी जो होता है वो नॉलेज मिलने के बाद कैसे हो जाता है, उसको जब सब नॉलेज मिलता है, सिंपल सी बात है, एक एजुकेटेड आदमी के बात करने में, नॉलेजेबल आदमी के बात करने में और जिसे नॉलेज नहीं है उसके बात करने में फर्क होता है। बरस है जलद भूमि नियर राए, तो बादल जो है वो धरती के समीप नजदीक आकर बरस रहे है। बरस है जलद, जोर से बरस रहे है। नियर आए यानी नियर नजदीक, भूमि यानी अर्थ पृथ्वी। जथा न वही बुध विद्या पाए, जैसे एक कोई नॉलेजेबल इंसान जो होता है उसमें क्या होती है, एक विनम्रता होती है, एक बात करने की एक तहजीब होती है। बुंद अघात सह ही गिरी कैसे, अभी ये जो बूंद है ना, बारिश की जो बूंद है अघात कर रही है यानी गिर रही है किसके ऊपर, गिरी, गिरी यानी पर्वत के ऊपर। तो ये जो बारिश की बूंदों का जो प्रहार है उसे कौन झेल रहा है, सह ही यानी सहना, कौन सह रहा है उन बूंदों का आघात, उन बूंदों की मार, कौन सह रहा है, तो पर्वत जैसे इन बूंदों की मार को सह रहा है। खल के बचन संत सह, जैसे खल, खल यानी मैंने क्या कहा था आप लोगों को, दुष्ट, करेक्ट। तो जो दुष्ट पुरुष होता है उसके जो कटु लैंग्वेज होती है ना, हमेशा वो अच्छी बात नहीं करता है, हमेशा बुरी बातें करेगा, कड़वी बातें करेगा। तो इसके इन बुरे और कड़वे बातों को जो एजुकेटेड इंसान है वो संत जो है, यानी संत आदमी का मतलब ही होता है सीधा साधा अच्छा इंसान, तो वो सह लेता है किसके कटु वचन, कड़वे बोल किसके सहता है वो, दुष्ट लोगों के, खल यानी दुष्ट लोगों के कड़वे बोल वो सह लेता है। जिस तरह से बादल इन बूंदों का मार सह लेता, ये जो बूंदों का मार ये पर्वत जिस तरह से सहता है, उसी तरह से जो दुष्ट व्यक्ति है उसके जो कड़वे बोल होते हैं वो संत आदमी सहते रहता है। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, क्षुद्र यानि छोटी, क्षुद्र नदी यानि स्मॉल रिवर। देखो भाई बहुत ध्यान से और बहुत सीरियसली ये जो चौपाई है ना उसके बारे में पढ़ना है तुम लोग, ओके। तो क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, अभी क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है तो जो छोटी नदियाँ होती है वो क्या करती है, नदी किनारे के बाहर चली जाती है। जस थो रहु धन खल इत राई, जैसे ज़्यादा बारिश गिरने की वजह से छोटी नदियाँ भरकर अपने किनारों को तोड़कर आगे बढ़ जाती है, उसी तरह से एक छोटा सा मामूली सा अमाउंट पाकर, धन पाकर दुष्ट लोगों को ऐसे लगता है वो इस तरह से इतराने लगते हैं जैसे कि दुनिया में सिर्फ उन लोगों के पास ही पैसा है और बाकी सब क्या है, कंगाल लोग है। थोरे हू यानी थोड़ा सा धन मिलने पर,
लोगों को ऐसे लगता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उन लोगों को ऐसे लगता है, इतराने लगते हैं वो लोग, अरे मेरे पास इतना धन है, अरे मेरे पास इतना धन है, अरे तुम लोग क्या हो, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत धन है मेरे पास। कौन बोलता है इसे? खल जो होते हैं ना वो लोग इस तरह से इतराते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं वो इस तरह से इतराते हैं। अभी इसमें का जो तोराई यानी चली तोराई यानी तोड़कर अपने किनारों को तोड़कर नदी क्या करती है, बहकर जाती है ना बाहर। छोटी अगर नदी है और ज़्यादा बारिश गिरता है तो क्या होती है, किनारों के पार बहने लगती है। उसी तरह से जो दुष्ट व्यक्ति है उसके पास थोड़ा भी धन आ जाता है तो वो क्या होता है, इतराने लगता है, घमंड करने लगता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनुजी वही माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर जानी, यानी ये जो भूमि है, धरती माता है, वो क्या होता है, पानी गिरते ही गंदी हो जाती है ना, सब वो मिट्टी उसमें मिल जाता है तो वो क्या हो जाती है, पानी सब क्या हो गया, गंदा हो गया। मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। जिस तरह से जमीन के ऊपर पानी गिरता है और वो मैला हो जाता है, उसी तरह से ऐसे लगता है, जब ऐसा होता है तब ऐसे लगता है कि किसी जानवर से उसकी माँ लिपट गई है। ओके, तो भूमि परत बा ढाबर पानी, ढाबर यानी जमीन पर पानी गिरना, ठीक है। भूमि परत भा ढाबर पानी यानी पानी मैला होना, जनु जी वही माया लपटानी, तो किसी जीव को उसकी माँ से मिलन होता है, ढाबर यानि मैला। देखो भाई, मैं हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप आप लोग समझ भी रहे हैं। ओके, तो भूमि परतबा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भर ही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। समिटी समिटी यानी जैसे बारिश का पानी गिरने के बाद जो तालाब वगैरह भर जाते हैं, तो उसी तरह से एक एक विचार से जो सज्जन व्यक्ति होता है उसमें सद्गुण उसके पास चले आते हैं। समिटी समिटी जल भर ही तलावा, बारिश के पानी की बूंदों से तालाब जिस तरह भर जाता है, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा, उसी तरह से धीरे धीरे नॉलेज पाने के बाद एक जो सज्जन व्यक्ति होता है, एक अच्छा इंसान होता है, उसमें क्या आता है, सद्गुण आता है, सद्गुण उसके पास आता है, वो सद्गुण उनसे भर जाता है। सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता यानि कौन, सरिता यानि नदी। तो नदी का पानी जिस तरह से समंदर से जाकर स्टेबल हो जाता है, जब तक नदी रहती है वो बहते रहता है, जब वो समंदर में जाकर मिलता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो जिस तरह नदी का पानी समंदर में जाने के बाद स्टेबल हो जाता है, होई अचल जीमी जीव हरी पाई, तो उसी प्रकार जीव जो होता है हरी के पास चले जाने के बाद वो भी मुक्त हो जाता है, अचल हो जाता है, यानी मृत्यु के बाद वो कहाँ चला जाता है,
भगवान के पास चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना चौपाई, मैं भी यहाँ पर ही कंप्लीट करती हूँ, वरना वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इसके आगे ये जो दोहा है मैं अगली वीडियो में आप लोगों को समझाती हूँ, और उसके आगे फिर एक चौपाई है वो भी आप लोगों को समझाती हूँ। तो हम लोग इसमें क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से सोच समझ कर हम लोग इसे सीखेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना। तो किस तरह से हम लोग चौपाई याद कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ बोलकर दिखाने की। ओके, तो चौपाई, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिय हिन डर पत मन मोरा, दामिनी दमक रहहि घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बुंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तौराई, जस थोरहु धन तल इतराई, भूमि परत भाढाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी, समिटी समिटी जल भर ही तलावा, जीमी सदगुण जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, हो ही अचल जिम जिमी जीव हरि पाई। तो इस तरह से जो चौपाई होती है वो कही जाती है, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, अगर और कोई तरीका होगा इसका बोलने का तो मैंने तो भाई यही पता है मुझे तो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को अगर बायहार्ट भी करना हो ना, तो इस रिदम में अगर आप लोग बायहार्ट करोगे तो जल्दी से ये चौपाई आप लोगों की बायहार्ट हो जाएगी। तो पार्ट वन में अभी आप लोगों को इतना ही। जो आज पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए। अगर ऑलरेडी कर दिया है आप लोगों ने तो थैंक यू वेरी मच, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मत भूलिएगा भाई। देखो भाई, लाइक के समय में ही मेरी जो जुबान है वो तय तय पै पै हो जाती है। तुम लोग लाइक किया करो यार, ठीक है, तो जरा मुझे एनर्जी मिलती है, नहीं तो देखो मैं कैसे लड़खड़ा गई अभी, है ना। तो लाइक करो और फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, अगर आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।